सो गाइस, मेरे फाइनली कपड़े धुल गए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सेम हियर। अभी अराउंड कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं, और जो आप बैक में वीडियो देखेंगे वो सारी मॉर्निंग की है। सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आई मीन आफ्टरनून में मुझे थोड़ा बैक पेन हो गया था, दैट्स वाई मैंने वीडियो कम्प्लीट नहीं की। बट अभी मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। आज हमारे घर में बेसिकली धोबी घाट लगाया मैंने, तो उसके बारे में कुछ भी बताने से पहले आप एक काम कीजिए, पहले वीडियो ही देख लीजिए। सो गाइज, स्टार्ट विद माय रूम। और इतना डर्टी हो रखा है, सारे पर्दे, सारे सारे बेड, मैं आपको सही से दिखा भी नहीं पा रही हूँ। ये पूरे कर्टन्स देखिए, पूरे ब्लैक हो रखे हैं। अब आते हैं हम बाहर वाले रूम की साइड। ये पूरा इतना गंदा, इतना मैसी हो रहा है। अभी सुबह सुबह ये मॉर्निंग का है ना। और ये देखिए बाहर वाली, ये पर्दे ना बहुत लंबे भी हैं, मुझे छोटे भी कराने हैं। एंड अभी मैंने देखे पूरे के पूरे पर्दे निकाल दिए हैं सारे रूम से, बाहर से, सब जगह से, है ना। ये मेरे वाले रूम से भी और ये बाहर वाले भी मैंने सारे निकाल दिए। तो ये देखिए फाइनली सब जगह से निकाल दिए हैं। अभी मैं ज़रा झाड़ू लगा देती हूँ घर पे, है ना। ये मैं बिल्कुल बाहर पहुँच गई हूँ। झाड़ू, एक तो इतनी डस्ट आती है ना, और अभी पर्दे निकल गए हैं तो इतने आती जा रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है। गॉड, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से घर में रेगिस्तान बन गया है, क्योंकि पर्दों के ऊपर बहुत सारी धूल थी। वो निकली ना, ऊपर तक हाथ नहीं जाता, तो वो प्रॉपर नहीं निकल पाई। और उसके जो जहाँ पे कर्टन्स लगे हुए होते हैं, वो जो उसकी रोड्स होती हैं वो भी निकाली हैं। उसके नीचे विंडो से भी पता नहीं, रोज साफ करने के बाद भी इतनी धूल निकली है। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा घर रेगिस्तान बन गया है ना। तो अभी बस ये मैं झाड़ू लगा के बस फाइनली ऊपर जाऊँगी, है ना। तो अभी जस्ट मैं वही निकाल रही हूँ, है ना। ये झाड़ू कंप्लीट कर रही हूँ, मतलब कि ऐसे ऐसे ये वो आप समझ रहे हैं ना। अभी मैंने सुबह से काम करना शुरू कर दिया था, 7 बजे स्टार्ट करके, है ना। तब इतना तब मुझे 2 बज जाएंगे काम फिनिश करते करते, सोचो। देखा देखा मेरी मेहनत, देख लो आप लोग। आप लोगों को लगता होगा मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, लेकिन देख लो मैं कितना काम कर रही हूँ। नहीं, आप सब लोग भी करते होगे, है ना भाई। मैं क्यों कर रही हूँ, आप सब भी करते होगे। सो बस फाइनली झाड़ू नीचे की कंप्लीट हो गई। अभी मतलब मैं बाहर भी लगाऊंगी, बाहर की मैंने वीडियो नहीं बनाई। लुक एट दैट, द कपड़े गाइस, इतने सारे कपड़े मैंने यहाँ पे धुलने के लिए डाल दिए। इसमें सिर्फ हमारे डेली में पहनने वाले कपड़े हैं, है ना, ताकि वो फर्स्टली पहले मैं उन्हें धो दूँ। और पता है मैंने क्या सोचा, मैंने साथ के साथ ही है ना झाड़ू लगा लेती हूँ। बिकॉज क्या है कि अभी थोड़ा, जब फर्स्ट बार हम कपड़े डालते हैं ना, तो बेसिकली 5-10 मिनट थोड़ा खड़ा होने का टाइम होता है, है ना। बिकॉज क्योंकि कपड़े तब तक फर्स्ट वाले होते हैं, उसके बाद तो ड्राई करो, सुखाओ, तो टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा पहले ना मैं थोड़ी झाड़ू भी लगा लेती हूँ यहाँ पे, तो दो काम एक साथ हो जाएंगे। और ऊपर छत पे तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं हर भाई रोज़ तो नहीं लगा पाती हूँ, बिकॉज सभी नहीं लगा पाते होंगे, मे बी शायद रोज़ तो, बट मैं हर दूसरे दिन लगाती हूँ, फिर भी पता नहीं कितनी गंदगी आती है ना, तो पूछे मत। सो गाइस, ये मैं ग्रिल भी साफ़ कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या है ना कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, एंड वैसे तो कपड़े ग्रिल रोज ही साफ़ कर देती हूँ मैं, 2 दिन में 4 दिन में, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि ऊपर होते हैं ना तो रोज़ धूल आ जाती है। और इधर मैंने कपड़े धोने थोड़े स्टार्ट कर दिए हैं, हाँ, तो लेकिन अभी स्टार्ट हुए हैं जस्ट। सो गाइस, ये है मेरे फाइनल कपड़े। ये तो मैंने सबसे पहले धोए थे, लेकिन अभी गीले हैं। ये बाकी के बिस्तर जो भी मैंने लास्ट में धोए हैं, एंड दिस इज फाइनल। ये सारे के सारे पर्दे धुल चुके हैं, अब मुझे जाके नीचे की सफाई करनी है। सो चलिए फिर चलते हैं, थक गई हूँ मैं तो, अपनी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आपको, कितनी भयंकर हो रखी है गर्मी में। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। अभी पूरा घर ऐसा लग रहा है नहा गया है ना। यहाँ पे मैंने कर्टन्स लगा दिए हर जगह, ये मेरे गेट के, है ना, और यहाँ पे बाहर वाले रूम में भी, और बिल्कुल बाहर वाले एंट्रेंस के भी पर्दे लग चुके हैं। अभी ये मैंने थोड़े ना नीचे से काफ़ी, थोड़े नहीं काफ़ी ऊपर करा दिए, तो फाइनली अभी ये सही हो गया, नीचे से गंदे नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। और आज मेरी पूजा भी अभी जस्ट कंप्लीट हो गई, इनका भी पूरा मंदिर मैंने साफ़ कर दिया है।
और आज बसंत पंचमी है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को येलो कपड़े पहनाए हैं। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना। सो गाइज आपने देखा मतलब क्या हुआ, आज हमने अपना पूरे घर के पर्दे मैंने निकाले, वो सारे धोए हैं, मैंने नहीं निकाले, मैंने अपने भाई से निकलाए हैं और वो उसी से लगवाए, बाकी सब कुछ मैंने किया है ना। तो अभी जस्ट अभी घर थोड़ा सही लग रहा है, आपने देखा है। तो अभी जस्ट मैं बाहर आ गई हूँ, अपने घर के बाहर बैठ के मैं चाय पी रही हूँ। तो अभी मैं चाय ख़त्म करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कुछ होता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और तब बात करती हूँ। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। वैसे दिन ख़त्म हो गया है और उसके बाद एज सच मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मैं बाज़ार से सब्जियां खरीद के लाई थी और मैंने कुछ किया नहीं है और अभी मैं चिप्स खा रही हूँ। अच्छा गैस करके बताओ सब कौन सा चिप्स है। तो बस एज सच आज कुछ जैसे कि मैंने पहले बोला कुछ भी नहीं हुआ है एंड बस मैंने अपने घर में धोबी घाट लगाया वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी यार घर में इतना रिलीफ लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पूरा घर धुल गया, साफ सुथरा हो गया। तो बस दैट्स इट। सो आपको होप वीडियो पसंद आई हो मेरी मेहनत, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको देखो कौन बोलने आया है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रिया कौशिक। सो बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से दोबारा, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।